बार अभी हम इसी बीती कॉलेज में, और हमारे साथ हैं डीन स्कूल ऑफ लॉ के डॉक्टर के बी अस्थाना जी, आए जाते हैं, रिपोर्ट सब चल रहा है, क्या कुछ संदेश देंगे छात्रों? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ, जिस प्रकार से दीपोत्सव 2019 कॉलेज में चल रहा है, क्या कुछ संदेश है छात्रों के लिए? देखिए आज का जो वो है वो बहुत ही बेहतरीन आज का दिन है छात्रों के लिए, क्योंकि आज का जो एक तरह से त्यौहार मनाया जा रहा है, एक तरह से मेला है, जिससे कि बच्चे इसमें से कुछ सीखें, कुछ भारतीय संस्कृति को अपना अपनाएं, और इसके बाद यहाँ से कुछ सीख के कुछ एंजॉय करने के बाद ही तब जाएं। आज इस प्रकार का जो थीम रहा है वो एक तरह से इको फ्रेंडली थीम रहा है, कि बच्चे पटाखों का ज़्यादा इस्तेमाल न करें, और आज का जो सुबह से ही प्रोग्राम रहा है वो बच्चों का ये फूडिंग का, देन पेंटिंग का, देन रंगोली कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। और आज दूसरे पहले स्टेज में जो ऐसा था कि बच्चों को जिन्होंने कि अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस दिया था वो उनको अवार्ड दिया गया। जी जी, इसके बाद दूसरा नंबर ये था कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में बेहतरीन काम किए थे जी जी, उन बच्चों को भी हमने अवार्ड दिया, प्रोत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहित किया। और इसके बाद आपने जो पिछले बार आपने शुरू किया था नो क्रैकर, इस बार ये जारी है और पूरे देश भर में कॉलेज अब ये मना रहे हैं। जी मैं वही चाहता हूँ कि इसकी वजह से संदेश भी पूरे देश में जाए कि नो क्रैकर्स जो है, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है, इस तरह से क्रैकर्स को ना इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाए। हाँ ये ज़रूर है कि बच्चे कुछ इन्जॉय भी करें, इनके लिए फिर हमने एक तमाशा बैंड है उसका यहाँ पे आयोजन किया है, और अभी थोड़ी देर में ही अब तमाशा बैंड उसका निश्चित तौर पर एंजॉय करेंगे छात्र, और उनमें उत्साह आएगा नई एनर्जी के साथ, नए साल में नए कह सकते हैं कि नए उत्साह के नए वर्ष में बेहतर कार्य करेंगे। जी जी, और मैं आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और इसका कवरेज किया आपने। और हाँ ये ज़रूर चाहूँगा कि बच्चे आज के दौर में इन चीज़ों से भी कुछ सीखते हैं, और अगर इन चीज़ों से कुछ सीखते हैं तो आप समझ लीजिए कि बच्चे कुछ नया अध्याय जरूर शुरू करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। खास तौर से बता रहे थे कि छात्र सीखने की प्रक्रिया में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे उल्लास कार्यक्रम में सीखते हैं जो कार्यक्रम CPJ कॉलेज ने शुरू किया है, उसी का यह निरंतरता बना हुआ है। कैमरा पर्सन सोनू चौहान के साथ मानवीय, नमस्कार।